अमित शाह ने कहा कि शाहीन बाग को हटाना है तो 8 तारीख को हमको वोट करो। मतलब 6 साल के दौरान काम कुछ नहीं किए हो, काम के आधार पर आप वोट नहीं मांग रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि हमको इसलिए वोट दो क्योंकि हम शाहीन बाग को खत्म करना चाहते हैं। मतलब कि आपके पास नया निर्माण करने के लिए, नया सृजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अजान हो रहा है तो 2 मिनट जरा रुकेंगे। ये लड़ाई कोई भारत बनाम पाकिस्तान की नहीं है, जो भाजपा के नेता लोग भी बोलना चालू की है दिल्ली के चुनाव के चलते। उसका मतलब यह है कि गुजरात में 25 साल हम देखे हैं कि 4 साल 11 महीना विकास की बात, और जैसा ही चुनाव का आखिरी महीना बाकी हो मामला पूरा हिंदू मुसलमान में चला जाए। आज उसी की तर्ज पर दिल्ली में मानो कि शाहीन बाग कोई खतरनाक चीज हो जिससे उसके लिए पूरे राष्ट्र को खतरा हो, उस प्रकार से शाहीन बाग को पेश किया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शाहीन बाग में कोई मुस्लिम नहीं है, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो भारतीय है। ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं, ये लड़ाई भारतीय की लड़ाई है। पूरा भारत उठ खड़ा हुआ है। आज इतने दिन के दौरान हमने देखा जामिया के लाइब्रेरी में घुसकर टीयर गैस का सेल छोड़ा गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी कि किसी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर टीयर गैस का सेल किसी सरकार ने छोड़ा हो, और टॉयलेट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको खींच खींच कर खदेड़ कर उनके हाथ और पैर तोड़ दिए। बहनों ने अपने बदन के साथ जो बदसलूकी हुई, मोलेस्टेशन की कंप्लेंट्स करी है, बावजूद उसके एक भी केस में गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसीलिए ये कहने के लिए मजबूर है गुजराती होने के बावजूद कि मोदी जी सचमुच आपने पूरे गुजरात की नाक कटवा दी। जिस प्रकार से दशकों तक जर्मनी में लोग हाथ में बैनर लेकर खड़े रहते थे, दीवारों पे पोस्टर चिपकाते थे, उनकी सरकारें लिखती थी कि भाई हम जर्मनी के लोग ठीक ठाक लोग हैं, हिटलर ने जो किया उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमको माफ कीजिए। बिल्कुल इसी तर्ज पर मोदी और अमित शाह ने काले काम जितने किए हैं उसको लेकर गुजरात की और इस मुल्क की आने वाली पीढ़ियां इसी प्रकार के बैनर लेकर इस दिन हाथ में खड़े रहेंगी कि हम बतौर गुजराती शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि नालायकों को गुजरात में किसी लोग ताली ऐसे नवाजते थे। आज पूरे गुजरात को इन लोगों ने शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारे बीच में विल्सन बिजवाड़ा साहब है, अभी गणतंत्र दिन के मौके पर सुबह सुबह खबर आई, दलित समाज का एक सफाई कर्मी बेंगलुरु में उसकी गटर में उतरकर मौत हो गई। स्वच्छता का मिशन चलाते हैं, मोदी जी को कहना चाहिए कभी आप भी पटना आइए और एक बार गटर के अंदर उतरिए, तभी आपको पता चले कि आध्यात्मिकता का आनंद क्या होता है। इस मूल का असली सवाल है, सफाई कर्मियों का गटर में उतरकर मरना बंद नहीं हो। आज भी इस मूल पे छुआ छूत जिंदा है, लाखों करोड़ों जनता बिहार में घूमे हैं, बहुत 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। उसके बजाय आप हमसे ये मांग रहे कि भाई कागज दिखाओ, तुमको अपना डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाना नहीं और हमसे हमारा कागज मांगना। आप कागज दिखाइए कि आप शादी किए हो कि नहीं किए हो, आप कागज दिखाइए कि कॉलेज में गए हो कि नहीं गए हो। और इस मुल्क की जनता ने तो ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए कागज नहीं दिखाया है। बिहार में खड़ा हूं, एक साल ऐसा नहीं जाता बिहार में कि जब बाढ़ ना आती है,
सही है कि गलत? बाढ़ में पूरे के पूरे आशियाने खत्म हो जाए, हम इस मुल्क के गरीब भाई बहनों को खो देते हैं इस बाढ़ में। जब बाढ़ में पूरे इंसान खत्म हो जाते हैं, उनके आशियाने खत्म हो जाते हैं, तो दिखाने के लिए कागज कहां से आएगा? इस मुल्क में घुमंतु जातियों के हजारों लाखों करोड़ों लोग, उनके पास भी दिखाने के लिए कोई कागज नहीं। मुसलमान के पास कागज होने का चांस ज्यादा है उनके मुकाबले जिस देश के जंगलों में बसने वाले आदिवासी। उन करोड़ों आदिवासियों के पास भी दिखाने के लिए कागज नहीं है। इस मुल्क की लाखों विधवा गरीब बहनों के पास कागज है। तो ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं, ये संविधान विरोधी कानून। ये कानून हमारे आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये कानून गरीब विरोधी कानून। 52,000 कर्मचारियों को 1,600 करोड़ का चूना लगाकर उनसे आपने आसाम में एनआरसी करवाया, बदले में स्कूल की जनता को क्या मिला? एक दूसरों के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं। ये 1600 करोड़ का चूना लगाने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए। अब चाहते हैं कि पूरे भारत में एनआरसी करके 1,00,000 करोड़ का चूना लगाया जाए। ये उनकी असली मंशा है। और आप सोचिए, अब तक इस देश ने डिटेंशन सेंटर में 29 लोग खो दिए, और अभी यदि हम गलत नहीं, जिस 29वें साथी की मौत हुई उनका नाम है किशोर, वो एक हिंदू था। मोदी जी आप हैं तो मुमकिन है हिंदू आपके चलते सचमुच खतरे में है, क्योंकि जब डिटेंशन सेंटर में जाने की बारी आएगी तो उनमें से कोई भी हो सकता है। वो दलित भी हो सकता है, सवर्ण भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। सवाल ये है कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद इस मुल्क की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये तो आप नहीं दे पाए, अब हमसे कागज मांगने पर तुले। इस लड़ाई का केवल एक ही नतीजा हो सकता है, हम तमाम भारतवासी इन गोरसे की औलादों के खिलाफ एक हो जाए। और इस बात का संकल्प ले कि जब भी एनपीआर और एनआरसी के लिए सरकारी बाबू हमारे घर आएंगे तो उनको कहेंगे कि आप भी हमारे भाई हो, बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीकर चले जाओ, कागज नहीं खाओ। एक प्रकार से असहकार का आंदोलन छेड़ दिया जाए। ये मौका बहुत जबरदस्त है, ये दोस्ती बढ़ाने का वक्त है। मैं पूरे गुजरात की ओर से बिहार वासियों की तरफ अपना दोस्ती का हाथ लेकर आया हूं। ये दलित मुस्लिम एकता को साझा करने का वक्त भी है, ये सारे गरीबों को जोड़ने का वक्त भी है। वह दमन करेंगे, हम दोस्ती करेंगे। और मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है, यकीन है कि आज जिस प्रकार से हमारी बहनें और माताएं उठ खड़ी हुई है, इसका कोई तोड़ मोदी के पास नहीं। जिस प्रकार से छात्र और नौजवान खड़ा हुआ है, मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन हुआ यह है कि बचपन में सुना है कि वो मगर पकड़ा करते थे, तो मगर की खाल उतार उतार कर उतना ओढ़ लिए है कि चमड़ा मगर की तरह हो गया है, कुछ छूटा नहीं है उनको। लेकिन मुझे उम्मीद है हम लोग अपने इस जज्बे को बनाए रखेंगे, शाहीन बाग को जिंदा रखेंगे, हमारे संघर्ष को जिंदा रहेंगे। यकीनन जीत सच्चाई की होगी, संविधान की होगी, धर्मनिरपेक्षता की होगी, गुजरात की गरीब जनता की होगी, बिहार की गरीब जनता की होगी, इस मुल्क की 130 करोड़ जनता की होगी। इस बात को याद रखिएगा, मोदी और शाह आते हैं और जाते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया टिकेगा, संविधान टिकेगा, हमारी धर्मनिरपेक्षता टिकेगी, हमारी दोस्ती टिकेगी, हमारा भाईचारा टिकेगा। और अस्वाद और बिस्मिल के बलिदान को समाप्त करते हुए जय भीम और इखलाक जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी बात को यहां खत्म करते हैं। और ये भी कहने वाला हूं कि नवंबर में चुनाव है, बिहार का चप्पा चप्पा देखने वाला हूं। जय भीम, इखलाक जिंदाबाद। मेरे साथ एक नारा लगाइए, जब जब
दुनिया के किसी भी कोने में गरीब जनता ने यह नारा लगाया है, सत्ताहीन के लिए। नारा यह है, मैं कहूंगा आवाज दो, दिल से कहिए हमें। जब इस मुल्क की या दुनिया के किसी कोने में भी गरीब जनता एक हो जाती है तो किसी सरकार के पास उसका जवाब नहीं होगा। तो कहिए जोर से आवाज।